नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रेजुएट गोड फार्म। मैं रामजीत कुमार आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर उपस्थित हूँ। आज मैं दोस्तों आप लोगों को बताने वाला हूँ कि प्रेग्नेंट रैबिट की पहचान कैसे करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि जब भी फीमेल रैबिट प्रेग्नेंट हो जाती है, वह मेल रैबिट से वह देखेंगे कि वह दूरी बनाएगी और मीटिंग करने से वह बचेगी। और दूसरा दोस्तों, जब रैबिट प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह देखेंगे पहले की अपेक्षा खाना पीना ज़्यादा करेगी और आपको देखने में मोटी लगेगी। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जब रैबिट बच्चा देने वाली होती है तो वह करीब 8 से 10 दिन जब रह जाते हैं बच्चा देने से पहले, वह नेस्टिंग करना शुरू कर देती हैं। जो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे, इसने अपना घोंसला देखिए पीछे बनाया है। और वह जब बच्चा देने वाली रहेगी दोस्तों, वह अपने शरीर के बालों को नोचेगी। यह इसलिए नोचती है कि दोस्तों रैबिट जो है वह अपने बालों को उखाड़ कर उसको घोंसला बनाकर और जो घास फूस पाएगी उसका घोंसला बनाकर वह उसमें अपने बच्चे को जन्म देती है। और दोस्तों मैं बता दूं, यह रैबिट देखिए अपने छाती से और अपने शरीर से अपने बालों को उखाड़ रही है और यह अपना नेस्टिंग तैयार कर रही है। घोंसला बनाने के बाद दोस्तों यह उसी में अपना बच्चा देगी। और एक बात बता दूं दोस्तों, जब भी रैबिट मादा खरगोश बच्चा देने वाली, जिस दिन बच्चा देने वाली रह होती है उस दिन वह आप देखेंगे कि वह कुछ खाए पिएगी नहीं, बस उस दिन वह अपना घोंसला बनाने में ही लगी रहेगी। ये देखिए दोस्तों, ये फीमेल रैबिट दोनों घोंसला बना रही हैं। ये देखिए अपने मुंह में भरकर यह ले जा कर के घोंसला बना रही हैं और इसी में अपने बच्चे देंगी। आप लोगों को बता दो दोस्तों, इनका बच्चे देने का टाइम 28 से 32 दिनों के अंदर यह अपने बच्चों को जन्म देती है। और जन्म देने के इनका स्वभाव होता है कि जन्म देने के तुरंत बाद यह प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं, लेकिन आप लोगों को ध्यान देना है दोस्तों, जब भी फीमेल रैबिट बच्चा देने वाली हो उससे मेल रैबिट से अलग रखें। और ये देखिए यह घोंसला बना रही है। आप लोग भी अगर रैबिट पाले हैं दोस्तों, आप देखेंगे यह आपका रैबिट जब बच्चा देने वाला होगा वह घोंसला बनाएगा, नेस्टिंग करेगा और ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को